फ्लैट अगर तुम दिन में जाके देखो तो इतना ज्यादा सुंदर फ्लैट था, मतलब तो विकी के साथ ज्यादा इंसिडेंट होने लगे। हॉरर फिल्म देखना और हॉरर फील करना मतलब डर भी होता था। किचन में से चाय उबलने की आवाजें आती रात को आती, हवा की तरफ आई और सरदार को पटाश थप्पड़ टाइप पड़ा। पैसेज में ना कुछ फुसफुसाने की आवाजें आती है। हम लोग आ गए हैं आज एक नई और मोस्ट डिमांडिंग वीडियो लेके, जो कि है हॉरर स्टोरी। हॉरर स्टोरी मेरे पे जो बीती थी, मतलब मेरे पे भी थोड़ी बहुत बीती थी। एक्चुअली मैंने एक ब्लॉग डाला था जो क्यू एंड ए था, जिसमें मैंने अपनी छोटी सी यू नो स्टोरी सुनाई थी हॉरर की। तो मतलब मैंने डिटेलिंग नहीं उसकी बताई थी, पर आप लोगों को फिर काफ़ी सारे कमेंट्स आने लगे कि हमको हॉरर स्टोरी सुननी है, हॉन्टेड हाउस की स्टोरी सुननी है। तो मैंने सोचा जिसके साथ बीती है अगर वो मेरी वीडियो में हो तो यू नो चार चांद लग जाते हैं। अभी भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो भी कुछ खा पी रहे हैं, खाना बना रहा हूं। हाँ, और भाई मेरा भी खाना रोका हुआ है अभी वीडियो के चक्कर में। कितना टाइम लग गया? पांच मिनट ना, रोटी से बिच्छी कर रहे हैं यार, खाने खाते हैं ज्यादा, जैसे कि रियल लाइफ में भी अब एक एंट्री बंद होती है, पूतरी हो जाते हैं जब सारा कुछ सो जाता है ना, उसके बाद अभी की एंट्री होती है। तो अभी की एंट्री बाद में होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी हॉरर स्टोरी। सो गाइस, साथ में खाना खाते खाते हम आपको सुनाएंगे अपनी हॉरर स्टोरी, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी फ्लाइट है। सो जल्दी जल्दी हम खाना भी खा रहे हैं साथ में और हम स्टोरी भी सुना रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम आएंगे पंजाब 2 महीने बाद। तो शुरू करते हैं। स्टार्ट करिए। आप बीती कौन कल दी गल है 2016 की बात है। अच्छा फ्लैट लगा था, 1 BHK फ्लैट था, पूरा चिट्टे कलर का, पूरा वाइट दीवार, ऐसा कुछ इतना पॉजिटिव लग रहा था सवेरे, पर शाम तो होते होते सारा ही उतना ही गंदा लगने लग गया। गंदा मतलब फील बहुत गंदी आ रही है। एक्चुअली क्या था ना, वो फ्लैट अगर तुम दिन में जाके देखो तो इतना ज्यादा सुंदर फ्लैट था, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, बट जैसे जैसे शाम होती थी ना, उस फ्लैट की एनर्जी ना जीरो होती जाती थी ना, जीरो नहीं माइनस हुई, मतलब ना वो पॉजिटिव दिखता था पर नेगेटिव जरूर दिखता था, माइनस हुई। और दिन में वही फ्लैट मतलब ऐसा था कि भैया खरीद लो ये फ्लैट, और हम सोच भी रहे थे कि हम खरीद लें क्योंकि हम नए नए शिफ्ट हुए थे, ब्रोकरेज दे दी थी, और इतनी आपको पता है बॉम्बे में कितनी हैवी ब्रोकरेज होती है, रेंट भी हमने एडवांस दे दिया था। उसके बाद हम ये था कि हमको एक महीना तो उस फ्लैट में निकालना ही है, पर शुरू में नहीं शुरू हुई थी ना ये इंसिडेंट, या होने लगे थे तेरे साथ, पर नेगेटिव हो गया इशू ना, रात में थोड़े फ्लैट ओवर नेगेटिविटी चली गई, मतलब ये जो इंसिडेंट है वो मेरे साथ नहीं होते थे, ये बहुत कम रहती थी उस टाइम पे घर पे, क्योंकि मैं शूट वगैरह पे या शूटिंग वगैरह चलती रहती थी, तो घर पे मैं इतना नहीं रहती थी, विक्की रहता था, तो विक्की के साथ ज्यादा इंसिडेंट होने लगे थे। बट इसने भी इनिशियली मुझे नहीं बताया, इसने सबसे पहले अभय को शेयर किया कि भाई उस फ्लैट में ऐसी चीजें हो रही है, मैंने दसे थी। तो यही था, फिर पहले तो कुछ होता नहीं था, बट इतना था कि वो ऐसा रहता था, घर खींचता है अपनी तरफ, रात के 2 बजे हो 1:30 बजे हो, ऐसा होता था कि मैं जाऊंगा तो घर ही जाऊंगा, कहीं दोस्त वगैरह घर रुकना नहीं है, जैसे अब कहते होते कि इतने रुक जाता हूँ, मैं रुकता नहीं था उनके पास, मतलब हमारे घर में पार्टी होती थी या गेट टुगेदर फ्रेंड्स का होता था, अगर हम बोलते थे कि भाई चला तो रुक जाए यहाँ पर इकट्ठा मॉर्निंग में निकल जाएंगे, तो ये कहता था नहीं नहीं चाहे 3 बजे और रात के इसको घर पे जाना ही जाना है, और अकेला जाता था। और ये था कि वो घर जो था ना इसको खींचता था अपनी तरफ, मैं तो मुझे जब से इसने बताया मैं तो वहां पर नहीं जाती थी, मैं अपने फ्रेंड के घर पे जाके रही हूँ, कार मतलब 15-20 दिन जब तक हमने नया घर नहीं शिफ्ट किया। पर हुआ क्या था तेरे साथ, क्या क्या इंसिडेंट होते थे? कुछ नहीं, पहले मैं फील तो होता था कि कुछ ना कुछ तो है, बट वो नहीं था, डर नहीं था कभी कि उस टाइम पे तो डर बिल्कुल नहीं था, उसमें हॉरर मूवी तो थिएटर में पहली सीट पे जाके बैठ के देखता था, वो भी अकेले में, तो एक दिन पता नहीं ऐसे थॉट्स आया था कि कुछ ऐसे ऐसे फील होता है ये वगैरह वगैरह, पता नहीं हाँ मेरे को ऐसे मतलब बस शेयर की थी कि मेरे को लगता है कुछ नेगेटिविटी है। इसने मुझे बोला कि घर पे ना किचन में से चाय उबलने की आवाजें आती है, रात को आती है वो, रात को, और वो इसको नहीं, वो इसके फ्रेंड्स ने इसको बताया। हाँ, इसके फ्रेंड्स आए थे घर पे, उसके फ्रेंड्स ने बताया था हमको, मुझे एक बार आई थी
विक्की को तो आती थी पर इसके फ्रेंड्स जब घर पर आए मेरे को तो इतनी आदत पड़ गई थी आवाज आती रहती थी मैं तो बस बोल देता कोई नहीं है बहुत नॉर्मल चीज है कोई खेल रहा होगा अपनी रसोई में मतलब इतना मैं कैजुअल हो गया था इन चीजों को लेकर तो फिर एक दिन बस मैंने अभी सोच की थी मैंने बिल्कुल हनुमान चालीसा पढ़ा करो फिर उसके बाद एकदम से थॉट में आए थे दो बच्चे सबकॉन्शियस माइंड ही कहते ना सबकॉन्शियस माइंड में आए थे ऐसे दो बच्चे आए थे छोटे छोटे तो फिर ये सारी चीजें बताई फिर मैंने फिर थोड़ा की फिर थी तो वो इसके साथ होता था जैसे खाली बॉटल होती है ना अगर खाली बॉटल क्रश हो रही होती है वैसी आवाज आती थी भैया ऐसे मुझे बताया दिन में तो मैं हिम्मत कर लेती थी जाने की पर रात को मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अकेले जाऊं पर इसमें था कि मैं पता नहीं इसमें क्या था तो इस एक चीज होरो ने की थी कि विक्की को ना इसने अपने सारे फ्रेंड सर्कल से तुड़वा दिया था सारी फैमिली में मतलब अलग रहने लग गया मतलब ये ना सीसीडी में या स्टारबक्स जो कॉफी हमारी शॉप होती है सीसीडी में ये बंदा अकेले बैठ के चाय पीता था मतलब किसी भी फ्रेंड्स के साथ मिलना मिलना हाँ बंद कर दिया सब कुछ मतलब अकेला रहना मेरे को पसंद था कि तभी मैं ज्यादा कहीं रुकता भी था अकेले मतलब अकेला ही मेरे को ज्यादा मोस्टली अच्छा लगता अकेला रहो और फिर मुझे टेंशन होगी कि भैया अभी तो रिसेंटली हमने शिफ्ट किया है फिर ये सारी चीजें होने लगी हां फिर हम गए थे टैरो करवाया था फिर मेरा एक डाउट क्लियर करने के लिए ऐसे इन्होंने बोला कि चलो टैरो करवाते हैं तो उनके फ्रेंड जिन वहां पे टैरो करवाया था मतलब हमारे जो घर था उसका जो पैसेज था ना पैसेज में ही वो फुसफुसाने की आवाजें आती थी एक बार अभी बोलते कि वो जो दीवार है ना दीवार के उस तरफ से आवाजें आ रही हैं कहते कि क्या साथ वाले फ्लैट में कोई है क्या पर साथ में कोई फ्लैट ही नहीं था फ्लैट पर बंद और उस तरफ और उस घर में एक दीवार पे सिंबल बने हुए थे उल्टे ट्रायंगल के उल्टे ट्रायंगल के वो ना उस वाले घर में एक पूरी वॉल जो है ना वो तोड़ी हुई थी मतलब ओपन व्यू रखा हुआ था और सामने ना पीपल का पेड़ था और उसकी जो टानी थी ना वो घर के अंदर आती थी चाहे काट दो उसके बाद भी दो तीन दिन में फिर से अंदर आ जाती थी तो ये सारा इंसिडेंट हुआ हमने जाकर फिर अपने ब्रोकर जो जिन्होंने हमसे नहीं नहीं उसके पहले तो ब्रोकर वाला तो बाद में डिसाइड किया था छोड़ना हनुमान चालीसा का पाठ किया था घर पे एनो कहा सी की कर विक्की ने भी कहा सी फिर मैं भी कीता जा तो एक बार घर बैठ के कीता घर बैठ के कीता सी हां उदो बेदी कीता था निकले नहीं बेदी वो निकल गई भूत इन बुखार चढ़ गया मेरे को तो कुछ हुआ नहीं हां ये पता नहीं की होया इनको पता नहीं अटैक कर बट जब मैं दो दिन फीवर में रही तो हमारे घर का मतलब फिर हमने ऑलमोस्ट छोड़ दिया था वहां पर कोई रह नहीं रहा था क्योंकि मेरे को सामान था मेरे को मना कर दिया था जाने से वहां पे हां पर घर पे कुछ सामान था तो मेरे को था कि वो सामान मेरे को लेके आना है क्योंकि मेरे ऑब्वियसली जरूरी सामान होता है तो आप कई बार एक दो दिन तो फ्रेंड के यहां स्पेंड कर लोगे पर ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते क्योंकि सामान आपका जरूरी घर पे था तो मैं जब लेके आई तो अभी ने मुझे मना कर दिया कि तो अकेली मत जाना पता नहीं उनको थॉट आया क्या आया मुझे नहीं पता इन्होंने मुझे कहा अकेली मत जाना या तो मैं साथ में चलूंगा या मैंने मना कर दिया था मत जाओ मेरी शूटिंग थी उस दिन मत जाओ पर ये ले गई थी बस मैंने अपने फ्रेंड को ले लिया हमारे जो कॉमन फ्रेंड है कवल वो मेरे साथ गए थे सामान लेने के लिए पर जो भी इंसान जा रहा था ना उसको फिर जाते तो नेगेटिव फील नहीं होता था पर धीरे धीरे नेगेटिविटी फील होने लग जाती थी तो सर फर्स्ट डे जब मैं इनके घर पे शिफ्टिंग कराने गया था तब मेरे को थॉट आया था कि अगर ये अगली बार अकेली यहाँ पे आएगी तो रगड़ी गई और जो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है उसने ये भी बताया था कि पहली बार जब जाएगी उदो कुछ नहीं होगा इसको सामान भूल लीजिएगी वापस लैंड जाएगी उदो होएगा और ये हुआ ऐसे यही ऐसे ही मैं जब गई सरदार के साथ सामान लेने के लिए पर तो सरदार जी अरे कुछ नहीं होता यार खैर में बकवास है कोई ये नहीं होता कोई गोश्त नहीं जब होता जब सरदार पार्ट भी कितने सरदार नहीं पार्ट उन्हें ना फिर की किया जब हम लोग सारा सामान ले लिया हमारा टीवी रह गया था मैं टीवी उठाने लगी तो एकदम से लाइक हवा की तरफ आई और सरदार को पटाश थप्पड़ टाइप पड़ा और मेरे पीछे से गुजर गई और सरदार मतलब उसका नाम है कवल जीत पर हम उसको प्यार से सरदार जी बोलते हैं कवल प्रीत हम उसको प्यार से सरदार जी बोलते हैं लेकिन सरदार जी
ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਤੀ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਚੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੂੰਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਖੋਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡਤਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਉਠਾਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਸਕਿਨ ਕੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੀ ਰੈਗੂਲਰ ਥਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਅਭੀ ਕੋ ਕਾਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਭੀ ਜੋ ਬੋਲਾ ਥਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿ ਕੁਛ ਭੁੱਲੇਗੀ ਵੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅਭੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਤੋ ਅਭੀ ਕਹਤਾ ਛੋੜੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਅਭੀ ਵਹੀਂ ਪਰ ਛੋੜ ਦੋ ਉਹਦੇ ਕੈਰੇਕਟਰ ਸੀਗੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਲੀਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ और पता ही क्या है ये फर्स्ट इंसिडेंट नहीं है इसके साथ हुआ है इसके अपने साथ अपने पहले भी हुआ है अपने होते हैं अपने शक्ति बहुत बहुत ज्यादा अपन नॉर्मल बंदे कट अट्रैक्ट करते हैं ये जी लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपने के लिए इसको पहले वाले फ्लैट में भी हुआ था ना फ्लश ऑन होना वो तो हां कोई खिड़की से क्या बट मुंबई बस वो तो नॉर्मली खुरकी था बट मुंबई में तो मोस्टली फ्लोर पे कुत्ता खिड़की से कैसे भौंकेगा वो सो पहला करता है गॉड गिफ्ट था बता वो गॉड गिफ्ट आओ खिड़की के पास आ गया 8th floor पे इधर एक कद में कोई कुत्ता भौंकेगा 8th floor सुबह फ्लश कर देता टैंकी खाली अपने आप ही बहुत होता था इंसिडेंट पर फर्क नहीं पड़ा कभी फिर जब इसके बाद यही इंसिडेंट के बाद तो मैं तो चार बंदों के साथ व्यवहार नहीं देख पाता इतनी वो हो चुका है तो बस यही चीज है पर कहते थे कि मेल से बहुत अटैच हो जाती थी ये सब चीजें एक्चुअली स्टार साइन होता है स्टार साइन इधर खुले हुए बॉम्बे की बात भी ऐसी जहाँ पे वो एरिया है 80-90% तो ये चीजें बहुत कॉमन है बहुत नेचुरल है टॉप फ्लोर पे भी ऐसा लगेगा की जहाँ पे ऊपर छत है तो हमारे ऐसे लगेगा की फर्नीचर खींच रहा है रात को 2-3 बजे कोई सेट कर रहा है बेड लगा रहा है ऐसी आवाज मतलब मुंबई में तो बहुत नॉर्मल चीज है तो लोग तो यूज्ड टू ही हो जाते हैं और फिर बस ये सब इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमने अपने ब्रोकर को बोला कि भैया कि ब्रोकर को फील हुआ था पहले फील नहीं हुआ पहले पहले नहीं माना हां हां पहले कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो इस हमारे पहले जो रहते थे वो भी तो इतने साल रह के गए हैं उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं किया एक्चुअली घर उन्हीं का था जो रह के गए थे उसके बाद घर भी तो सेलिब्रिटी का था वो जो घर था जिसका था वो पहले रहती थी उसके बाद हम भी आई थिंक फर्स्ट टेनेंट थे ना हां तो तब क्योंकि होता है कि ब्रोकर होता है कि ब्रोकरेज वापस देनी पड़ेगी है ना एडवांस रेंट जो दिया वो भी वापस देना पड़ेगा ऑब्वियसली हैवी डिपॉजिट हमने दिया था कहीं और घर होने के तो हमको भी तो आगे देना ही है तो पहले थोड़े कह रहे थे नहीं है नहीं है नहीं है मेरे बाप खुद जाके देखो तो फिर ब्रोकर ना अमावस्या के दिन गया था देखने के लिए हमने उसको कुछ नहीं बताया हमने बोला कि कुछ फील होता है तो वहां पर बैठा उन्होंने देखा तो उन्होंने आके जब हमको बोला उन्होंने कहा कि कुछ तो हुआ था यार पैसेज में आवाज सुनाई उन्होंने बोला कि पैसेज में ना कुछ फुसफुसाने की आवाजें आती हैं मैं क्या हाँ पैसेज में फुसफुसाने की आवाजें आती हैं तो बस ये था क्योंकि उन्होंने खुद जाके किया कहीं होता ना कि झूठ ना बोल रहे हो खाली करने के लिए या कहीं और जाना हो पैसे लेने के लिए ऐसे फालतू की कहानियां ना बना रहे हो पर उन्होंने खुद जाके देखा तब जाके उन्होंने हमको हमारी ब्रोकरेज वापस दी है तो ये था इंसिडेंट और उसके बाद अभय और चीनू और विकी गए थे हनुमान जी का बहुत ही बड़ा मंदिर है ना सारंगपुर करके है उस मंदिर का सारंगपुर है जो कि गुजरात में है वहां पर गए थे वहां पर मतलब आपको प्योर कर देते हैं बेसिकली आप प्योरिटी के लिए जाते हैं लोग तो दोनों वहां पर गए थे तेनों उथे भी कुछ होया सी ना प्लेट गिर गई ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਹਾਰਰ ਸਟੋਰੀ ਮਤਲਬ ਹਾਰਰ ਚੀਜ਼ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੋਈ ਥੀ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਹੋਈ ਥੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹ ਛੋੜ ਦਿਆ ਗਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਐਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਤੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਲੈਣ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਲੋਗ 100 ਵਾਰ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਮੁੰਬਈ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਥੋੜਾ ਦੇਖਣਾ ਮੁੰਬਈ ਮੈਂ ਬਤਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਮੁੰਬਈ ਮੈਂ ਬਤਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਸ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਇਤਨੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਮੈਂ कुछ इतने क्राइम होते हैं तो पता नहीं चलता क्राइम तो चलो हर जगह ही होते हैं पर है वहाँ पर तो हर घर को देखने से पहले सोचना पड़ता है पूरा
तो बस अभी हम जब भी घर लेते हैं तो सारी चीजें पूछ लेते हैं। गाइस बस ये थी हमारी हॉरर स्टोरी। मैंने तो लगता जेने ने बीच लाइन बोली ना ब्रोकरेज वापस कर दी वो भी दी दी होगी मुझे लग रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी हॉरर स्टोरी जो कि आपने काफी दिनों से नॉट दिनों मंथ से आप डिमांड कर रहे थे कि मैं लेके आऊं। सो मुझे लगता है कि जदों कि फाफा बड़े है किस दिन बढ़िया बैठ के सही तरीके जे होर भी हॉरर स्टोरी फाफा बड़े है जे होर हॉरर स्टोरी सुननी है तो मेन लीड को फॉलो सब्सक्राइब करो। मेरे पर बहुत इधर बहुत में मेरे पर बहुत गाने जे फील भी करती है कि तू मेरे नाल आके रह लो। हां मैं तो छोटे हुंदे कब्रिस्तान भी जाता था तो चंडीगढ़ के लोग उनको पता होगा कि कब्रिस्तान वो सोलन सोलन में कब्रिस्तान है जो बहुत फेमस है। लगी होगी तेरे पीछे भी लगता है ना। रात को हम जाते थे 1:30-2 बजे रात को पहाड़ियों में मतलब बहुत ऐसे किया छोटे मतलब उस टाइम पे डर ही नहीं था कुछ ऐसे ऐसे खड़े मिलते थे किसी दिन ग्रेव होती थी खड़े हो गए बस। गाइज ये थी हमारी हॉरर स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन उसको दबाना मत भूलिए। अब हम आपको मिलेंगे एक नई हॉरर स्टोरी के साथ बट मेरे पास क्योंकि मेल लीड हमें जो मैं रहने वाला विक्की की हॉरर विक्की की हॉरर विक्की की भूतिया कहानी तो मैं चल। ओके गाइज बाय बाय टेक केयर लव यू।